छोड़ के सब कुछ करवा लो तुमसे। हाँ सर, एक महीने के बाद ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी। सर हमें बहुत दिल से मिस कर रहे होंगे, इसलिए तो आ गए। इतना मिस कर रहा था गणेश भाऊ, इतना मिस कर रहा था कि ट्रेनिंग आधी छोड़ के बिना वर्दी बदले तुमसे मिलने आया। सर आज अचानक कैसे? कमिश्नर साहब ने बुलाया था, एक केस टेक ओवर कर लिया। कौन सा केस सर? न्यूज लगा। नहीं तुम लोग देखो, मेरी वर्षा को किसी और ने नहीं, इन पुलिस वालों ने मारा है। पर अशोक जी, आपकी बेटी के लोकल पुलिस वालों से क्या दुश्मनी हो सकती है? उनकी दोस्ती है उस रेशमा के साथ। वो इंस्पेक्टर उस रेशमा से मिला हुआ है और इसीलिए गवाही देने से पहले ही उन्होंने मेरी वर्षा को मार दिया। कौन इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर प्रकाश तावड़े। वर्षा नाम की एक नाबालिग लड़की 5 दिन से गायब थी, कल उसकी लाश मिली। उसके माँ बाप ने पुलिस वाले पे ब्लेम किया है, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मीडिया ने इस न्यूज का बवाल बना दिया। उनका कहना है कि पुलिस वालों की वजह से 307 केस की विटनेस खुद 302 की विक्टिम बन गई। यह हमारा डिपार्टमेंट के लिए धब्बा है, इसलिए मैंने केस टेक ओवर कर लिया है। जयंती, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ, केस वापस ले ले। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, केस वापस ले ले, माफ कर देना। माफ कर दूँ? हाँ माफ कर दूँ। ये देख देख, दो इनसे बच गई हूँ, वरना तेरा ये बेटा ना मुझे मार डालता। अम्मी मैंने कहा था ना कि यहाँ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सुन लिया आपने? अब चाहे मैं जेल जाऊं, चाहे कहीं पर भी, चलो आप यहां से चलो। अश्फा मौशी, माफी मांगने से पहले अपने बेटे से पूछ तो लेती कि इसे माफी चाहिए भी या नहीं। अरे बेटा, ये माफी मांगने थोड़ी ना आए थे, ये तो अकड़ दिखाने आए थे अपने हलकट बाप की तरह। ओए, मेरे अब्बू के बारे में कुछ कहता है? ए, मेरे बाबा को अगर हाथ भी लगाया ना तो यही दूसरा केस बन जाएगा। बहुत जबान चल रही है तेरी। हाँ? बहुत घमंड है ना आप लोगों में, एक एक का घमंड तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। अश्वा! जयंती, माफ कर देना उसे, वो बच्चा है। ताई, एक काम कर, तू अभी घर जा और उसके जेल जाने की तैयारी कर। अगले हफ्ते मिलते हैं कोर्ट में, निकल अभी। मेरे साथ तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो, मगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, एक बेटी तुम्हारे घर पर भी है। ताई जाप! अब बताओगी क्या हुआ है? कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें क्या हुआ? कोई भूत वूत देख लिया क्या? उसने तेरी माँ को देख लिया। सिर्फ बात करने पे इतना मारा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी भी। ऐसे कैसे शादी करेंगे? मैं होने दूंगा क्या? क्या करोगे तुम? पता था मुझे। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, पर इतना जरूर पता है कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। क्या करोगी घर जाकर? वही टेंशन वाला माहौल, लड़ाई झगड़ा। तुम्हें थोड़ी फन की जरूरत है, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? देख अनिरुद्ध। हाँ पापा। मैं 3 दिन से पहले तो वापस ना आऊंगा। तुझे जो पार्टी वार्टी करवानी है ना वो कर ले, और घर ठीक से साफ करके रखना। पापा पार्टी और मैं? नहीं पापा। मैं भी मेरे बाबा से यही कहा करता था, जैसे बाबा बाहर जाते थे ना पार्टी शुरू हो जाती थी। जाए। बाय बाय। तुम दोनों? अरे पापा अभी अभी गए, तुम लोगों को देखा तो नहीं ना? नहीं, अंकल निकलने के बाद ही नॉक किया। चलो अच्छा है, वैसे चेतन बियर लेके आता ही होगा, फिर साथ में पार्टी करते।
कल रात मेरे साथ कुछ हुआ था पर तुम मानते ही नहीं हो। अब ये देखो। अरे यहाँ क्या होगा, तुम्हें सिर्फ पीरियड आया बाकी कुछ नहीं। जतिन मेरे डेट्स अभी नहीं है। वर्षा पता है ना तुम्हें, स्ट्रेस में डेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। रुको मैं तुम्हारा पैड लेके आया, ठीक है? नहीं मैं घर जाते वक्त ले लूंगी। घर जाएगी तो आई बाबा तेरा मर्डर कर देंगे, कल रात तेरे पापा बहुत भड़के हुए थे। तो घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अभी यही रुक, शाम तक कुछ सोचते हैं, ठीक है? जतिन तुम्हें पता है ना जितना देर होगा आई बाबा उतना ही मारेंगे। यार अनिरुद्ध तुम्हें वर्षा का फोन देखा क्या? फोन नहीं तो कहाँ पे रखा था? अरे उसने हॉल में रखा था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। अरे तो हॉल में ही होगा ना, ठीक से देखो। चल ठीक है, पर एक बात सुनना, वर्षा यहाँ पे थोड़ी देर और रुक सकती है? हाँ जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते ना वो आराम से रह सकती है यहाँ पे। थैंक्स यार। ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी वर्षा का जतिन से अफेयर है। आपने जतिन का घर भी चेक कर लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। अब आप ये भी कह रहे हैं कि रेशमा और अशफाक आपकी बेटी वर्षा को किडनैप भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। आप वहां पर भी गए लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। अरे साहब हम आपको बोल रहे हैं कैसा हो सकता है, वर्षा को कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए वो उसका किडनैप भी कर सकते हैं। अब मेरे बेटी वर्षा के साथ क्या हो रहा है ये आप पता करो ना, ये आपका काम है। हाँ वो तो हम करेंगे ही, वर्षा के डिटेल्स दे देना शिरके को। पहले एक बात सच सच बताना, ये रेशमा और अशफाक से दुश्मनी निकालने का कोई नया तरीका तो नहीं है ना? अरे साहब क्या बोल रहे हो, वर्षा हमारी बेटी है, दुश्मनी निकालने के लिए हम उसकी बलि चढ़ाएंगे क्या? क्या किया तूने कल वर्षा के साथ? क्या बकवास कर रहे है तू? मैंने जतिन और वर्षा की बात सुनी, वो कह रही थी कल रात को जहाँ सोई थी वहां से ब्लड मिला, और कल रात को जो तू उसके साथ सोफे पे कर रहा था ना वो भी देखा मैंने। और अभी मोबाइल देख अनिरुद्ध, सच सच बता दे, मैं तो अभी जाऊंगा जतिन और वर्षा के पास। वर्षा तुमने फोन कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा दिया? नहीं मैं लेकर आई थी फोन, याद है मुझे। ठीक है मैं ढूंढता हूँ, पर वापस आने के बाद, अभी पापा बुला रहे हैं। नहीं जतिन प्लीज तुम मत जाओ, यहाँ अकेले तुम्हारे दोस्तों के साथ रहना मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है एक काम करो, तुम रूम से बाहर ही मत निकलना, मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? नहीं। वर्षा ये लो तुम्हारे लिए जूस और पोहा, इधर रख देता हूँ। थैंक्स यार। अरे कोई नहीं। देखा बैठो यहाँ पे, खामा का टेंशन ले रही हो, मेरे फ्रेंड्स कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, अब रिलैक्स। पर तुम मत जाओ। आई विल बी बैक सून। प्लीज जतिन जल्दी आऊंगा। भाई हाँ अभी तक जूस पी लिया होगा ना, तो जाके खुद ही चेक करना। जाओ चल। चेतन तुम यहाँ ताकजाग क्यों कर रहे हो? वो मैं देखने आया था कि तुमने जूस पिया या नहीं। हाँ मैं पी लूंगी, पर तुम रूम में क्यों घुसे आ रहे हो, बाहर जाओ। ये तो गलत बात है, मेरे ही घर से मेरे ही दोस्त को बेडरूम से बाहर जाने के लिए बोल रही हो। वेरी रॉन्ग बेबी। हम लोग एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, उनको कुछ तो वर्षा के बारे में पता चला होगा। अरे कहाँ मिलेंगी उन्हें, हम हमारे रिश्तेदार दोस्त लोग जानने वाले सबके घर चेक करके आया ना, पुलिस के आसमान से ढूंढ के लाएगी क्या उसे? वर्षा किसी के साथ भाग गई है, भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाओ, पाऊं मैं उसकी, किसके साथ भागी है, कहाँ है, किस हाल में, कुछ पता नहीं है, भूल जाओ। तू क्यों रो रहे है उस नालायक के लिए? वो गई है उसकी किस्मत से,
और अगर वापस भी घर पे आई ना तो मैं उसे मार डालूंगा। सर सर मैंने फोटोज देखे है, सिंदूर इंदूर डाला है सर पे, कंफर्म बड़ी का केस है सर। शादी तय हो गई तुम्हारी? नहीं, क्यों? नहीं ऐसा है तो बता दो मुझे, मैं फाइल में मेंशन करता हूँ। संग्राम का सिक्स सेंस कह रहा है फोटो देख के ये नरबली है, फाइल क्लोज। अरे ऐसा सर, यंग जनरेशन है ये, फास्ट फूड के जैसा सब फास्ट चाहिए इनको। इतना इतना फास्ट? लेकिन ये प्रकाश पे आपको डाउट कैसे आया? सर परसों प्रकाश तावड़े घर पर आया था। अरे इंस्पेक्टर साहब आप आइए ना, अंदर आइए ना। वर्षा आई घर? नहीं, पर आप इतने परेशान क्यों हैं सर? मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब साहब क्या हुआ सर? सर सर दूसरे दिन मेरी बेटी की लाश मिली साहब। हो ना हो साहब, उसी ने मारा है मेरे बेटी को। वो क्यों मारेगा आपकी बेटी को? अशफा को बचाने के लिए रेशमा ने प्रकाश तावड़े को पैसा खिलाया है पुराने केस में। हाँ सर, ये लोग पुलिस को फंसा रहे हैं या खुद को बचा रहे? ये पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बीपी बंद बढ़ाइए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम मुझे बता रहे हो वायलेंट नहीं होना चाहिए? मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। सर क्या बोल रहे हैं सर? ये वर्षा और तावड़े का तो मोबाइल डेटा निकलवाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बस एक गलती थी कि परसों मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। और तुम्हारी इस छोटी सी गलती के लिए SIT यहाँ आई है। तुम्हें पता है ना वर्षा के फैमिली ने तुम पे इल्जाम लगाया उसके मर्डर का। सर मैंने वर्षा का मर्डर नहीं किया है, वो परसों यहाँ आई थी, जिंदा थी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम उठो 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 उठो, तुम वर्षा हो ना? अशोक और जयंती की बेटी कहाँ थी इतने दिन, और ये सब किसने किया? मेरा रेप हुआ है सर, वो सब मेरा पीछा कर रहे हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तुम यहीं बैठो, हाँ मैं पानी लाता हूँ। बैठो। सर मुझे लगा वो अपने घर गई होगी, इसलिए मैं उसी वक्त उसके घर चला गया उसे ढूंढने, और अब वो लोग उसकी डेथ के लिए मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। आजकल विक्टिम लोग पुलिस स्टेशन के बजाय पुलिस क्वार्टर्स में आने लगे। सर वर्षा का पिछला केस भी मैं ही हैंडल कर रहा था, उसे पता था मेरा घर, शायद पुलिस स्टेशन के बजाय उसे मेरा घर नजदीक लगा हो। लेकिन वर्षा ने तो कहा था उसके साथ रेप हुआ है। उसने कहा वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। तुम्हें कुछ आइडिया है किसने किया होगा वर्षा के साथ ऐसा? सर मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाता उससे पहले तो मुझे सस्पेंड कर दिया। सर ये पुलिस का जॉब मतलब दो धारी तलवार है, किसी की हेल्प करो तो भी सस्पेंड और ना करो तो भी सस्पेंड। पुलिस भी इंसान है और तलवार चलाने वाला भी इंसान, इंसान है तो खुद तो होगी। ये तावड़े के सर्विस रिकॉर्ड निकलवाओ। सर वो वर्षा की बॉडी कहाँ मिली थी? सर बॉडी इस पेड़ पर थी। सर वहां पे गाड़ी के टायर के निशान मिले थे, फोर व्हीलर, फॉरेस्ट ने फोटो लिए है। प्रकाश का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना? तो जिन लोगों ने वर्षा के साथ ये रेप किया और मौका मिलने पर भागकर वो प्रकाश के घर गई होगी। सर ये तो बैग है, कहाँ से उड़कर आई होगी? ये उठा रत्नागिरी का बैग, थाना में उड़कर आया, वो भी सुनसान जगह पे।
इस शॉप को चेक करो, पता करो इस केस के सस्पेक्ट का रत्नागिरी से कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। सर बहुत बड़ी और बिजी दुकान है सर, दिन में 1500 के बैग यहाँ से डेली निकलते हैं सर। सर ये बैग से कुछ क्लू मिलना मुश्किल लग रहा है सर। इस केस के सस्पेक्ट का रत्नागिरी कनेक्शन फिर से फोकस करो, क्लू को ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर वर्षा की पीएम रिपोर्ट आ गई है, उसका रेप हुआ था, शायद गैंग रेप। वो बलि का कुछ कनेक्शन मिला? थोड़ा दिमाग चला ना संग्राम, थोड़ा दिमाग चला। अगर किसी को बलि लेना था तो रेप क्यों करेगा? तुमने शायद क्यों कहा? क्योंकि सर उसकी बॉडी पर एक ही आदमी के स्पर्म सैंपल्स मिले, लेकिन इंजरीज इंडिकेट करती है मल्टीपल अब्यूज, और उसका टाइम ऑफ डेथ है परसों रात को 12 से 1 के बीच। मतलब ये वर्षा के प्रकाश के घर से भाग जाने के बाद। रेशमा और जयंती की फाइल देना। तुम्हारा और तुम्हारे बहन का झगड़ा था ना? नहीं साहब, झगड़ा तो 25 साल पुराना है, जब से मैंने असफाक के अबू के साथ निकाह किया तब से मेरे मायके वाले मुझसे नफरत करते हैं। आपके बहन को पूरी प्रॉपर्टी मिल गई तो आपने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए, तो फिर आपने उसकी बेटी को ही मार डाला? नहीं नहीं साहब, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तो ये मेडिकल रिपोर्ट, चार्जशीट, ये सब झूठ है, आप जो बोल रही है वो सच है? पैसों के दम पे क्या नहीं किया जा सकता साहब, ये सब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम पर। सर इन दो बहनों के ऊपर ना फिल्म बननी चाहिए। सर दोनों बहनें एक जैसी बातें कर रही हैं, ये कहते हैं उन्होंने पैसा खिलाया, वो कहते हैं इन्होंने पैसा खिलाया। वाह सर, आप हमारे घर के हालात देख ही रहे हैं, हमारे तो खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, हम क्या किसी को पैसा खिलाएंगे? साहब जयंती ने पहले अपने आप को मारा, अब अपनी बेटी को मार के हम पे इल्जाम लगाया प्रॉपर्टी के लिए। मैं एक्चुअली R&D कर रहा हूँ। एक्चुअली बलि के पहले रेप होता है कि नहीं समझे तो? अभी इसके बाद जो भी मैं कहूंगा ना 100% सबूत के साथ कहूंगा, नहीं तो। गुड, ठीक है ठीक है, काम करो। वर्षा की क्वालिटी का क्या हुआ? हाँ सर, वर्षा शाम को 5 बजे गायब हुई, गांव के पास एक कस्बा है वहां से सर, और उसने लास्ट कॉल किसी जतिन को किया था। जतिन, ये वर्षा का बॉयफ्रेंड? सर वर्षा के पेरेंट्स ने FIR में जतिन का भी नाम लिया। अच्छा, कि प्रकाश तावड़े और अशफाक, इनके कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? हाँ सर, क्राइम सीन और वर्षा का फोन जहाँ बंद हुआ, इन दोनों एरियाज के आसपास भी प्रकाश और अशफाक, इनके फोन्स एक्टिव नहीं थे। सर ये तावड़े का रिकॉर्ड भी एकदम क्लीन है सर, छोटी मोटी डिसिप्लिनरी कंप्लेंट को छोड़ के उसका ड्रिंकिंग का मसला है, बाकी क्लीन है सर। तुम जतिन से कॉल डिटेल निकालो। यस सर। और ये जतिन वर्षा का बॉयफ्रेंड है, उसे जाके मिलो। गणेश भाव सर, फॉरेंसिक वालों को बुला और इस कार के टायर प्रिंट मैच करवा। जी सर। अरे बेटा, अरे कितनी देर गाड़ी धोएगा, अंदर कुछ करना है कि नहीं, चल जल्दी। या जी, आप लोग? इंस्पेक्टर खान, SID, आपके बेटे जतिन से बात करनी है। जतिन, जतिन बेटा बाहर है, बेटा आजा, जरा अकेले में बात करने। बोल। हाँ वर्षा मेरी गर्लफ्रेंड थी और उस दिन हम मिले थे। क्यों? वर्षा के गायब होने के एक दिन पहले उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मारा था, क्योंकि उन्होंने हमें बात करते हुए पकड़ लिया था सर। एक मिनट, ये देखिए फोटोज। ये फोटो तेरे पास कैसे है? वर्षा ने सेंड किए थे सर। ये तुम्हारे पापा को पता है क्या वर्षा के बारे में? नहीं सर, मतलब इतना ही पता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसके घर पे आने पर वो ऑब्जेक्ट नहीं करते। ये वर्षा का फोन इस एरिया में 4 से 5 के बीच में स्विच ऑफ हुआ, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, कुछ जानता है उसके बारे में? सर वो सर ऐसे नहीं बोलेगा, DNA टेस्ट कराते हैं इसका। चल चल साहब, साहब साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते साहब। हम कैसे भी ले जा सकते, चल चल सुना बड़ा। जतिन, जतिन बेटा तू डर मत बेटा,
आ रहा हूँ पीछे। डर मत, डर मत मैं हूँ। सुने 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 जी साहब, घर किसका है? ये मोहन जी का घर है साहब, मेरे पड़ोसी है। सर ये देखिए, ये कहीं ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है? जब बेटी का अफेयर चल रहा था तो उसको मार दिया, और अब ये मियां बीवी अपनी बहन और उसके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर इसका तो गैंगरेप हुआ था ना? शायद, कंफर्म नहीं, लेकिन ये मारपीट कंफर्म है। मारा था सर, उसने बॉयफ्रेंड बनाया था, कोई मेरिट नहीं आई थी, इसके लिए मैं उसकी आरती उतारता। तो मार मार के मर्डर कर दिया होगा, अब रेशमा और अशफाक को फंसा रहे हो। साहब काय बोलता है तुम्हें, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वर्षा बेटी थी हमारे साथ। हेलो अनिरुद्ध, यार डीएनए सैंपल के लिए मुझे लैब लेके आए। क्या डीएनए टेस्ट? डीएनए टेस्ट हुआ तो गंदा फंसेंगे यार। यार मैंने तेरे को बोला था कि रेप में मत करो। हाँ? जल्दी बाहर निकलो। आया आया, एक मिनट सुन, मैं कुछ करता हूँ, डर मत। ठीक है ठीक है। वो जतिन को डीएनए के लिए भेजा है, दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। सर ये देखिए जतिन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर जतिन क्राइम सीन के आसपास नहीं था, लेकिन वो बहुत बार किसी अनिरुद्ध से फोन पे बात करता था, और ये अनिरुद्ध की बात अशफाक से होती थी फोन पर। अशफाक मतलब वर्षा का कजिन। और सर एक घंटे पहले इस जतिन ने अनिरुद्ध को फोन किया, और उसके तुरंत बाद अनिरुद्ध ने अशफाक और चेतन को फोन किया। पर सर ये एक घंटे पहले जतिन लैब में ही था डीएनए सैंपलिंग के लिए। हाँ सर, तो ऐसी क्या इमरजेंसी है कि उसने लैब से फोन किया? ए हीरो, सुबह हम जब आए थे तो पर्दे से झांक रहा था, क्यों? सर जतिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं देख रहा था कि उसके घर पे चल क्या रहा है। और तूने लैब से इसको फोन किया था, इस अनिरुद्ध को, क्या इमरजेंसी थी? सर वो संग्राम। हाँ सर। ये ऐसे नहीं सुनेंगे, ये अनिरुद्ध और वो अशफाक और चेतन तीनों का डीएनए करवा ले, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल चल पापा। अरे सर पहले जतिन, अब मेरा बेटा, अब खामखा बच्चों को परेशान कर रहे। संग्राम इसको भी ले, ये तीनों रेप केस में सस्पेक्ट है, समझे क्या? चल। सर किसी का भी डीएनए सैंपल मैच नहीं हो रहा। और सर वो जतिन के कार के टायर मैच भी मैच नहीं हो रहे। अरे जतिन, अनिरुद्ध, चेतन और अशफाक चारों में से कोई नहीं है, ये पांचवा आदमी है कौन? जो कोई भी है उसका कनेक्शन जरूर इस वर्षा के केस से। और अशफाक के सेल लोकेशन भी सेम एरिया में थी सर। लेकिन सर उठाएंगे भी तो किस बेसिस पे उठाएंगे? किसी का भी डीएनए सैंपल मैच भी नहीं हो रहा है। किसने कहा डीएनए सैंपल मैच नहीं हो रहा है? हाँ रिपोर्ट हमने तो नहीं कहा। क्या खान हो रहा है ना? 100%। कितने लोगों का? सबका। फिर चल मैडम, मैंने क्या? मैडम मैडम सर मैंने क्या किया? सर क्यों मार रहे हो सर? चल गणेश भाव, चल पापा सर कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? आपके लड़के का डीएनए मैच हुआ है वर्षा की रिपोर्ट से। अरे सर 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 हमने कुछ नहीं किया सर। फिर जो किया हो बताओ। ये देख बराबर के चेक कर। तुम्हारा डीएनए मैच हो गया सबके, समझे? कन्फेशन करने का सही वक्त है, सच बताओ क्या हुआ, नहीं तो कोर्ट सजा देगा ही तुम लोगों को। बता सर। मैं नहीं करना चाहता था सर, इतने फंसाया मुझे। कैसे फंसाया? कैसे फंसाया? अशफाक नहीं चाहता था कि वर्षा कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे, इसलिए उसने मुझे बहाने से वर्षा को अनिरुद्ध के घर ले जाने को कहा ताकि वो कोर्ट तक पहुंचे ना। लेकिन इन तीनों की प्लानिंग अलग ही थी सर। तो तुम लोगों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम लोगों ने रेप किया है, अब बताओ मर्डर क्यों और कैसे किया? सर हमने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर हम तो वर्षा को गाँव के बाहर छोड़ आए थे,
रेप करके छोड़ दिया, उसकी मौत कैसे हुई? सच सच में सर, हमने मर्डर नहीं किया, हमने उसे जाने दिया था। क्यों जाने दिया था? पांचवे आदमी के लिए। सर कौन पांचवा आदमी? वही जिसका स्पर्म मिला है वर्षा के बॉडी से। सर पांचवा आदमी कोई नहीं था सर। सर हम तो चार सर हम चार ही थे सर। तो मरी कैसे और क्यों जाने दिया उसको? क्योंकि क्योंकि अम्मी लेकर गई थी वर्षा को। कोर्ट की तारीख निकलने तक इसे बांध कर रखने के लिए कहा था मैंने, ताकि तुझे जेल ना जाना पड़े, पर तूने तो नया कांड कर डाला। आंटी आंटी जो होना था वो हो चुका है, अब ये बताओ कि इसका करना क्या है? मेरे पिताजी आज शाम तक घर पे वापस आ जाएंगे। सब हम वर्षा को छोड़ नहीं सकते थे, वो बाहर आते ही पुलिस के पास आ जाती, इसलिए हमें पुलिस के पास आ गए। उसके बाद वर्षा के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता साहब। चल चल टाइम वेस्ट मत कर, चल बता अभी चल। तेरा डीएनए भी मैच हुआ है वर्षा के बॉडी पे जो सीमेंट था उसके साथ, और रेशमा ने सब कुछ सच सच बता दिया है। सर मैंने वर्षा का मेडिकल डिले करने के लिए उसे वहां रखा था, तो उसे खाना पीना देने भी वहां जाना पड़ता था, और इसी आने जाने में नशे में मुझसे गलती हो गई सर। शर्म नहीं आती हाँ? एक नाबालिग लड़की के साथ? अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने वर्षा को 2-3 दिन तक बाहर रखा और उसे साफ किया ताकि मेरा डीएनए सैंपल ना मिले। सर 6 सस्पेक्ट है, हर एक कोई ना कोई तो जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन कोई ये कबूल नहीं कर रहा है कि उसने मर्डर किया। सर रत्नागिरी का एक कनेक्शन मिला है। किसका? सर ये जो तीनों दोस्त है उसमें से एक का गांव रत्नागिरी है, और जिस दिन वर्षा का मर्डर हुआ उस दिन वो थाने में नहीं था, वो रत्नागिरी गया था रेंटल कार से। कौन है? क्राइम स्पॉट पे हमें एक बैग मिली रत्नागिरी के स्वीट शॉप की, फिर उस शॉप के सीसीटीवी में तुम अखे दिख रहे हो। हर्षद आखो तुम्हें हो ना? फिर आपका सीडीआर चेक किया तो उसमें ऐसा पता चला कि वर्षा के मर्डर के दिन तुम रेशमा के घर गए थे, प्रकाश के घर पे भी गए थे। इतना ही नहीं, क्राइम स्पॉट पे जो टायर मार्क्स मिले वो उस रेंटल कार के हैं जिस कार से तुम रत्नागिरी गए थे। बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो मार खा के बताओगे या शांति से बताओगे? जब मैं रत्नागिरी से वापस आया तब मेरा बेटा अनिरुद्ध बहुत ही डरा हुआ था, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया सर। तो मैं भागकर रेशमा जी के पास चला गया और उनसे कहा कि जब तक वो वर्षा जिंदा है तब तक ना ही तो अशफाक सेफ है और ना ही अनिरुद्ध। सब मुझे पता था कि वर्षा कहाँ है, हम वर्षा के पास जा ही रहे थे कि वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो मेरा पहचान वाला था, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो गाड़ी मुझे दे दे बिना ड्राइवर की। हम जा ही रहे थे तो रास्ते में वर्षा दिखाई दी। रुको 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 वर्षा रुको रुको, दोनों के खिलाफ चार्जशीट बनाओ। चल सर 7 लोग, 7 लोगों में से किसी एक ने भी उस लड़की को इंसानियत नहीं दिखाई, बस अपनी हैवानियत और अपना डर दिखाया, और आखिर में उसे खत्म ही कर दिया। अंधा प्यार खतरनाक ही होता है, फिर वो माँ बाप का भी क्यों ना हो। अक्सर माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देनी चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन उनकी गलती छुपानी नहीं चाहिए। सर आप पहले से कॉन्फिडेंट थे ना कि ये बड़ी का केस नहीं है? कैसे? संग्राम तुम सिर्फ एक केस की तरफ देख रहे थे, ऐसे बहुत सारे केस हमने सॉल्व किए हैं। क्रिमिनल अक्सर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता ही है। खान सर का फोन। जैन सर, सर जी सर, जैन सर। सर वापस ट्रेनिंग? नया केस।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.